हेलो एवरीवन, मैं प्रीति प्रीति मेकअप से। तो गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को देख सके। तो ये मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर है नंदनी जी, उनको रिपब्लिक डे पे मेकअप लुक चाहिए था तो डियर मैंने कंप्लीट कर दिया था जिस दिन आपने कमेंट किया था उसी दिन। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। तो आप इस लुक को साड़ी, जींस टॉप किसी के साथ भी कैरी करके आराम से जा सकते हो। लाइट वेट मेकअप है बिल्कुल लाइटली। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। पहले ले रही हूँ क्लिंजिंग मिल्क, आपको अच्छे से ही फेस वॉश कर लेना है, उसके बाद अपने फेस को क्लीन कर लेना है। तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें दिखा रही हूँ। जैसे कि मेकअप करने से पहले आपको अपने फेस को क्लीन करना बहुत ही जरूर होता है। तो आप लोग पूछते हो दी आप कैसे क्लीन करते हो, तो जस्ट मैं इसी तरीके से करती हूँ। इसके बाद मैं लेती हूँ कॉटन, कॉटन में भी मैं थोड़ा सा लगाती हूँ क्लिंजिंग मिल्क, ये देखिए, और फिर इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। पहले तो फेस वॉश आपको अच्छे से करना, जो फेस वॉश लेते हो वो। प्यारी सी सब्सक्राइबर है नंदनी जी, उनकी रिक्वेस्ट है तो यार पूरी तो करनी ही करनी है और टाइम भी नहीं है। तो जैसे ही मैंने कमेंट पढ़ा फटाक से मैं बैठ गई मेकअप करने के लिए नंदनी जी। पर मैं ले रही बेबी जॉनसन लोशन जो मेरे बाबू का है, तो इसे मैं आधा मॉइस्चराइजर अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि बजट में सारी चीज़ें ले रही ताकि आप आराम से ले सको। तो बेबी जॉनसन, या आपके पास कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर 10 रुपए वाली फ्रूट क्रीम वो है, या आपके घर में कोई और मॉइस्चराइजर बजट में तो वो अप्लाई कर लीजिए, या बच्चों का तो आपको आराम से मिल जाएगा वो ले लीजिए। तो इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लेना इस तरीके से, ठीक है। और 5 मिनट तक आपको इसको ऐसे ही रहने देना है, छोड़ देना है 5 मिनट के बाद, फिर आपको मैं बताती हूँ क्या करना है ताकि अच्छे से आपकी स्किन में ऑब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आपको लेना है प्राइमर, हुडा ब्यूटी का मैं प्राइमर ले रही हूँ जो बजट में है। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो एलोवेरा जेल लगा लीजिएगा, क्योंकि यार जैसे कि आपको पता है ये मेकअप लुक सभी लोग करना चाहेंगे और सिंपल तरीके से, उनके पास ये सारी चीज़ें होंगी भी नहीं, इसलिए मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ। मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल ही लगाने वाली थी बट उठने की वजह से मैंने कहा चलो यही लगा लेती हूँ। तो हुडा ब्यूटी का प्राइमर, अगर वो नहीं है तो एलोवेरा जेल, ठीक है। इसको अच्छे से फेस पे लगा के 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा ताकि ये आपकी स्किन में अच्छे से मिल जाए। और इसके बाद आपको क्या करना है, फाउंडेशन नहीं अप्लाई करना है। जैसा कि आपको पता है कि रिपब्लिक डे है, दिन में हम जाते हैं गार्डन वगैरह में, सारी चीज़ें होती हैं, पार्क में होती हैं। इस लैक्मे की 95 cc क्रीम लेनी है और ये आपको मार्केट में 100 रुपये में भी मिल जाती है मिनी वाली, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि SPF 30 होता है जो प्लस प्लस है और ये मेन पॉइंट है। क्योंकि अगर आप सनस्क्रीन लगाते हो तो फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये सनस्क्रीन में SPF 30 होता है और फाउंडेशन में हमारे नहीं होता है, और ये बीबी क्रीम में, सीसी क्रीम में यानी कि SPF 30++ है। तो ये बहुत ही अच्छा है, बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, ये ज़रूर ट्राई करिएगा। और आपके पास सीसी क्रीम नहीं है तो फाउंडेशन ले लीजिएगा और उसके पहले सनस्क्रीन लगा लीजिएगा। अगर सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो कोई बात नहीं, आप फाउंडेशन डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास वो है। अगर वो भी नहीं है तो आप कोई भी क्रीम लगाते हो तो वो ले लीजिएगा। तो इसकी क्वांटिटी मैंने इतनी रखी है। के बाद मैं इसमें थोड़ा सा गुड वाइब्स का इसका फेशियल ऑयल ले रही हूँ, बहुत ही अच्छा है। इसमें हम डालेंगे 2 से 3 बूंदे, 2 बूंदे मैंने डाली है। तो पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये देखिए मैं मिक्स कर लूंगी, अपने पूरे फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूंगी। और यहाँ पे मैं कोई भी कंसीलर नहीं लगा रही हूँ तो इसी को मैं एज अ कंसीलर भी लगाऊंगी, पूरे फेस पे अच्छे से आपको लगाना है। आपको क्या करना है, एक ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, उससे ब्लेंड कर लेना। अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो फिंगर की हेल्प से मैं बता देती हूँ, इस तरीके से करके ब्लेंड करेंगे, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अगर ये नहीं करना चाहते हो, ये देखिए, अगर आप रगड़ोगे ना तो वो फाउंडेशन आपका बहुत ज्यादा बेकार लगेगा। फिंगर की हेल्प से इस तरीके से करके लगाओगे तो ये ट्रिक भी बहुत अच्छे से काम कर जाती है। और मैंने फेशियल ऑयल इसमें इसलिए मिलाया है क्योंकि ये जो सीसी क्रीम होती है काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, इतने अच्छे से ही ब्लेंड हो गया। तो और इस साइड में आपको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करके दिखाऊंगी, सेम इसी तरीके से लगता है, कोई डिफरेंट नहीं लगता है। बस आपको आप ऐसे से करके लगाओगे ना तो वो रूखा रूखा सा नजर आता है, इसलिए इस तरीके से करके लगाइए।
और सजेस्ट करूंगी कि आप ब्यूटी ब्लेंडर या हाथ से, जैसे मैंने बताया आपको, ये देखिए क्या करना है, अपने जो हमने शीशी क्रीम लगाई है उसको सेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे लैक्मे का कॉम्पैक्ट ले रही हूँ, ये है, और इसको आपको ब्रश से नहीं, इसी में जो स्पंज होता है आपको उससे लगाना है। तो सबसे पहले हम अपने आई को सेट कर लेंगे, फिर फेस को थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई करिए कीजिएगा। रेड एंड व्हाइट का आई शेडो पैलेट मैं पिक कर रही हूँ, ये देखिए ये ऑरेंज है, थोड़ा सा डार्क है इस वजह से, तो इसको भी आपको फिंगर से अप्लाई कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ आप इसे 2 मिनट में आराम से कर लोगे, ज्यादा ज्यादा आपको 5 मिनट लगेगा, ठीक है। डार्क अगर आप करोगे तो नहीं अच्छा लगेगा, आई मेकअप या कुछ भी हो, चाहे आप टीचर या स्टूडेंट हो या टीचर हो, फिर भी थोड़ा सा लाइट ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा ये ब्लू वाला शेड लेना है, थोड़ा सा, और आईलेट के बीचों बीच में, घुमा देना हल्का हल्का सा आईलेट पे इस तरीके से लगा, ये देखिए हल्का सा सेव दे देना, ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये हो गया आपका आई मेकअप, ठीक है। आई सेट के बाद आपको क्या करना है, ग्रीन लाइनर लगाना है। मेरा ग्रीन लाइनर लैक्मे का, बट मैंने सोचा था डार्क वाला है, ये काफी लाइटली सा है जो मुझे पसंद नहीं आता, तो इसके पहले मैं क्या करूंगी, ब्लैक लगाऊंगी एनवाईबे का, इसके ऊपर ग्रीन लगाऊंगी, ठीक है। अगर आपके पास डार्क वाला है या लाइट रखना चाहते हो तो डायरेक्टली ये अप्लाई कर सकते हो। तो अब जब तक ये सूख रहा है हम सेकेंड वाली में अप्लाई कर लेते हैं। इसके ऊपर हमें क्या करना है, अपना ग्रीन वाला अप्लाई करना है। आप चाहे तो ब्लैक भी रख सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा ग्रीन लगाऊंगी, यार मैंने कुछ उतना ज्यादा टच नहीं दिया है रिपब्लिक डे से, तो ये थोड़ा डार्क रहेगा तो अच्छा लगेगा। आईब्रो को सेट करने के लिए अपनी आईब्रो पेंसिल, जब तक हमारा लाइनर सूख रहा है इसके, तब तक हम अपनी आईब्रो को सेट कर लेते हैं। वो पाउडर टाइप का रहता है तो वो ज्यादा देर नहीं, तो हमारी आईब्रो पेंसिल लग चुकी है, अब इसको हम अच्छे से सेट कर लेते हैं और हमारी आईब्रो अजीब ना लगे। हमारा लाइनर सूख रहा है, उसके बाद हम जब तक क्या करेंगे, क्योंकि सूखना बहुत जरूरी होता है, आंखों को पलकों को ऊपर करके मस्कारा लगाएंगे तो ऊपर लग सकता है, इसलिए रिस्क नहीं लेना है। तो थोड़ा सा मैं ब्राउनजर करूंगी, ब्राउनजर से सेफ थोड़ा सा अच्छा दिखता है। नोज देख रहे कैसे फैली फैली से दिख रही है, वो पता नहीं चलेगा डियर, आप टेंशन मत लीजिएगा कि ब्राउनजर करने पर पता चलेगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तो थोड़ा सा आपको ये वाला ब्राउन वाला शेड लेना है और फिंगर के ध्यान दीजिएगा, फिंगर केल से जरूर कीजिएगा, नहीं पता चलेगा, दिन में भी मैं करके गई हूँ इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ। फिंगर केल से इस तरीके से लाइटली आपको लगा लेना, ये देखिए, ब्रश नहीं बता रही हूँ क्योंकि सभी के पास ब्रश नहीं होते हैं, तो नोज को आपको सेफ देना है, आपकी नोज अच्छी लगेगी देखने में। आप अपनी स्किन के हिसाब से लगाएंगे ना तो वो स्किन में मिल जाएगा। बिल्कुल भी ये नहीं पता चलेगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, कोई लाइट सा शेड ले लेना इसी में से, या तो आप कंसीलर ले सकते हो एनवाईबे का, वो मैं ले लेती हूँ, ये देखिए, और इसको मैं एज अ कंसीलर लगा लेती हूँ, आप एनवाईबे का कंसीलर भी लगा सकते हो। मैं अपना स्विस ब्यूटी का पैलेट, और इसमें से आपको चाहे पीच कलर का या पिंक कलर का, तो आप पिंक कलर पिक कर रही हूँ, लाइट सा लगाऊंगी, ओवर नहीं रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल लाइटली लगाइएगा, हल्का हल्का सा, तो ये पिंक स्टोन का भी काम करेगा और हाईलाइटिंग का, आप दोनों चीज लगाएंगी तो वो पता भी चल सकता, लेकिन ये आपका बिल्कुल लाइट सा लगेगा। तो मैं इस तरीके से कई बार बाहर गई हूँ तो मैं लगा के गई हूँ,
तो ये मुझे ज्यादा पसंद आया है। इसके बाद मैं ले रही हूँ एनवाइबे का काजल। और अब मैं लगाने जा रही हूँ मस्कारा। और इसके बाद मैं ले रही हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक, बिल्कुल न्यूड शेड है। देखिए मैंने लगाया वो, आप इसके ऊपर कोई दूसरा कलर भी लगा सकते हैं, तो इस तरीके से भी लुक रख सकते हैं। सेकंड कलर मैं आपको बताती हूँ आपको क्या इसके ऊपर लगा सकते हैं। और इसके बाद मैं ये वाला शेड लगाऊंगी, आप चाहे तो इस तरीके से भी रख सकते हैं, चाहे तो ये भी लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लगा लेते हैं, जस्ट थोड़ा सा ही लगाऊंगी। ये देखिए, तो कोई भी इसमें चेंज नहीं आया, थोड़ी सी लिपस्टिक डार्क हो गई है और कलर सेम वही है। तो ये हो गया हमारा फाइनल लुक। चलिए मैं थोड़ी सी एयररिंग्स वगैरह पहन लेती हूँ, आपको बताती हूँ किस तरीके से आपको करना आएगी, ठीक है। आपको क्या करना है डियर, अगर आप कोट वगैरह पहन के जा रहे हो यानी कि जीन्स वगैरह पहन के जा रहे हो, तो कुछ इस तरीके का मेकअप लुक क्रिएट करके जा सकते हो। एक छोटा सा पफ बनाइए, हेयर को ओपन कर लीजिए या एक ऊपर पौनी बनाइए, उस तरीके से करके जा सकते हो। सेकंड स्टेप मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने कोट वगैरह पहना हुआ है, आप उसके साथ सूट वगैरह पहने, तो आपको क्या करना है, हेयर को ओपन करके रखना है, बना लीजिए। पीछे से बैंड भी लगा सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। अगर आप खोलना नहीं चाहते हो तो छोटे छोटे टॉप्स टाइप की इयररिंग्स पहननी है, जैसे कि ये इस तरीके की है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। वो तो आपका सूट वगैरह के साथ का इस तरीके से आपको करना है। और इसमें एक छोटा सा पेंडेंट पहन लेना, ये चैन पहन लेनी। तो ये मैं यहाँ पे छोटा सा पेंडेंट डाल रही हूँ, इस टाइप का पेंडेंट पहन सकते हो, जो काफी ज्यादा प्रीटी लुक देगा, और ये इयररिंग के साथ, ठीक है। तो ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंदिनी जी बिल्कुल लाइट सा मेकअप है, आप ज़रूर करके जाइएगा, बहुत ही खूबसूरत दिखोगे। तो चलिए मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ। ओके बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी।